जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई जर्नी में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा हम लोग जबलपुर से चले थे भोपाल के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस में, लेकिन जब खूबसूरत नज़ारे सामने आए तो इस ट्रेन को हम लोगों ने इटारसी में छोड़ दिया था। गाड़ी तो वैसे काफ़ी कमाल की थी, खाना पीना भी इसका अच्छा था, पर ट्रेन काफ़ी भर के नहीं चलती है। इसके पीछे आ रही थी जनशताब्दी एक्सप्रेस, जिसमें हमने सोचा कि इस बुधनी घाट सेक्शन को इन्जॉय किया जाए। अब टिकट तो खैर हम लोगों ने ऑनलाइन इसमें ले लिया था, लेकिन सेकेंड सीटिंग का आप देखिए आगे क्या होने वाला है। इस जनशताब्दी एक्सप्रेस की जर्नी आपका इंतजार कर रही है। यहाँ पे अपनी जनशताब्दी देखो 9:20 पर आ चुकी है। ये रहा इसका खूबसूरत सा विस्टाडोम कोच। विस्टाडोम में कोई है ही नहीं, 44 सीट का कोच है, 44 की 44 सीट खाली। बस 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 भाई क्या नदी, अरे बस 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 के अंदर कला है तो आप यहाँ पे आर्टिस्टिक हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। बाहर से इन कोचेस को बिल्कुल साफ नहीं किया जाता है, बहुत ही बुरा हाल है अंदर से। और इनफैक्ट एक खिड़की तो यहाँ पे फूटी हुई भी है, इसमें तो बाहर के लोगों की गलती है तो मैं मानता हूँ, पर रेलवे को इसे रिप्लेस तो करना ही चाहिए था। पीछे से भी काफ़ी बुरे हाल में है, साफ सफाई कराने के बाद का हाल मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए साफ करने के बाद भी इसमें जो गंदगी की मोटी लेयर है वो जमा है यहाँ पे। रेलवे ध्यान नहीं देगी तो कैसे काम चलेगा, इसीलिए ट्रेन खाली जा रही है। ये देखिए ये हाल है इस ट्रेन का। सीट जो है आपको डिपार्चर के टाइम दिखाता हूँ, अभी नहीं थोड़ा सरप्राइज। संदीप भाई तो इतने निराश हो गए कि खुद ही साफ किए ले रहे हैं विस्टाडोम को, थोड़ा हिस्सा तो साफ मिले ताकि आप लोग को व्यूज दिखा पाए। रेलवे का बचा कुचा काम भी हम ही लोग को करना पड़ रहा है, इतने हिस्से से ले पाएंगे वीडियो, एकदम चमक रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है। उधर मेरी फेवरेट गाड़ी तमिलनाडु एक्सप्रेस जस्ट निकली है। सवा दस हो गया, ट्रेन को आके एक घंटा हो गया। हम लोग पहले जोश जोश में बाहर खड़े थे, वापस सीट में बैठ गए और अच्छा खासा टाइम मिल गया टिकट बनवाने का। तो देखो 3 आदमी का 1890 का टिकट बनाया, जब हमारे पास ऑलरेडी सेकंड सीटिंग का टिकट था जिसकी कॉस्ट 90 रुपीज़ पड़ती है, वो हमने करंट में ही बुक कर लिया था। तो आज भाई नुकसान थोड़ा ज़्यादा हुआ है, तो आप लोग को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है थोड़ा ज़्यादा शेयर करो ताकि रिकवरी हो सके। बाकी अभी भी इटारसी पे खड़ी है, जब चलेगी तो आपसे मुलाकात करता हूँ। एक घंटे के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन निकल रही है अभी इटारसी जंक्शन से। पूरा का पूरा कोच खाली है भाई, पूरा कोच खाली है, कोई पैसेंजर नहीं हमारे सिवाय। और यहाँ पे दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस ये यहाँ पे खड़ी हुई है, शायद ये अभी जा रही है दुर्ग की ओर। बाकी भाई लोग गए हैं पीछे से विस्टाडोम कोच से डिपार्चर देखने के लिए। क्या बढ़िया लग रहा है इसका व्यू, वंदे भारत में बैठो और उसके बाद जब ऐसी स्पेशियस जगह पे आओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ भाई लोग हावड़ा तक जा रहे हैं। हावड़ा तक जा रहे हो? हावड़ा तक किधर तक जा रहे हो? कहाँ तक? बिहार तक जा रहे हो? ये जा रही है भोपाल, भोपाल भोपाल। देखते हैं जबलपुर की तरफ हमारी ट्रेन जो है वो पास कर रही है।
थी हावड़ा मेल, जो कि मुंबई से हावड़ा के बीच में चलती है, सीधा निकल जाती है जबलपुर प्रयागराज वाले रास्ते से, दीनदयाल उपाध्याय होते हुए हावड़ा के लिए, और हम लोग अपने बुधनी वाली लाइन पे। इसकी मेंटेनेंस पे रेलवे का ध्यान वैसे गया नहीं है, पर्दा ये जो है ये खराब था, एक बार पुल करके छोड़ दो तो नॉर्मल जो कर्टन्स होते हैं ऊपर की ओर चले जाते हैं, पर ये वाला खराब हो चुका था। साथ साथ इस ये जो सीट है इसका पुशबैक भी जा चुका है, बिना किसी बटन को दबाए देखो अपने आप पुशबैक हो रहा है, जैसे मैं हटूंगा वापस आ जाएगा, देख लो पुशबैक जो है खराब हो चुका है। तो अगर आप विस्टाडोम का पैसा ले रहे हो, रेलवे से अनुरोध है तो कम से कम सुविधाओं पर तो ध्यान दो। अगर इंसान इसमें खर्च कर रहा है, 900 से ज़्यादा किराया है इसका, अगर आप इसे टोटल बुक करते हो जबलपुर से भोपाल के लिए, अभी हमने तो इसके लिए ऑलमोस्ट 700 रुपये पे किए हैं डेढ़ घंटे की जर्नी के लिए, अगर इंसान इतना पे कर रहा है तो एटलीस्ट सुविधाओं की उम्मीद तो करता है। खैर अभी हम लोग तो ज़्यादातर बाहर ही रहने वाले हैं चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए, पर जो नॉर्मल पैसेंजर जो इसमें जर्नी कम्फर्ट को इन्जॉय करने आता है, मैं उसके तरफ से ये बात रेलवे से कहना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सुविधाओं पर ध्यान की ज़रूरत है। दो मिनट के हॉल्ट के बाद ट्रेन नर्मदापुरम से भी निकल चुकी है, अब अगला हॉल्ट सीधा होने वाला है रानी कमलापति। 9:35 का यहाँ पे अराइवल टाइम था, ट्रेन यहाँ पे 10:35 पहुँची है, तो एक घंटे का जो डिले है वो जो हम इटारसी से साथ लेकर चले हैं वो बरकरार रहेगा। अभी अब देखते हैं ट्रेन भोपाल कब पहुँचती है, एक्चुअली शायद 11:30 के आसपास ट्रेन का अराइवल टाइम है। यहाँ से पार होते ही आपको नर्मदा माता के खूबसूरत से दर्शन होने वाले हैं। जैसे ही हम लोग नर्मदा माता को पार कर लेते हैं उसके बाद बुधनी रेलवे स्टेशन आता है और फिर ये जो घाट सेक्शन है ये शुरू होता है। यहाँ से जो नज़ारे हैं बहुत सुंदर हो जाते हैं, खैर अगर बारिश या मॉनसून और हद तक होता तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है, लेकिन अच्छा हुआ कि बारिश नहीं, इसी बहाने आपको चीज़ें दिखा पा रहा हूँ मैं। चलिए आप लोग इस रूट को डिटेल में इंजॉय करिए, मैं आपसे ही मिलता रहूँगा ऐसे ही। जो नीचे यहाँ पे आपको ट्रैक दिख रहा है अभी हम लोग इसी से आए थे और अभी ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ता ये जो है काफ़ी कठिन और दुर्गम है, भारतीय रेलवे ने इसे बहुत ही मेहनत से बनाया और इसे मेंटेन भी कर रही है। यहाँ पे आपको शेर भालू ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, अक्सर यहाँ पर जो रेलवे कर्मचारी हैं इनका आमना सामना इन चीज़ों से होता है, लेकिन यह रूट बहुत ही खूबसूरत है।
भी विस्टा डोम में टिकट बुक करते हो मान लो, तो ये सेंसर वाले डोर मिलेंगे आपको। लगेज का स्पेस यहाँ पे आपको मिलेगा कोच में घुसने से पहले, और जैसे ही आप कोच में एंट्री कर लेते हो तो कोच कुछ ऐसा दिखता है इस ट्रेन का। बाकी चलिए और भी बहुत सारी चीज़ें वो मैं आपको दिखाता हूँ धीरे धीरे। अगर आप लोग यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट ढूंढ रहे हो तो आपको सीट के नीचे आपके मिलेगा, और साथ ही साथ ये जो ट्रेन है इसमें आपको पुशबैक के लिए बटन्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको सीट को पुशबैक करना है तो ये जो बटन है ना इसे प्रेस करना पड़ेगा। एक्रेस्ट दिखाना ज़रा कैसा है, काम नहीं कर रहा क्या? अच्छा चलो ये वाला तो काम नहीं कर रहा है, इसमें बैठ के दिखा दो। स्थिति बड़ी खराब है गाड़ी। हाँ देखो ये कुछ ऐसे पुशबैक जो है विस्टाडोम कोच का काम करता है। बाकी ये सीट जो है रोटेट भी हो जाती है, जरा ये वाली को थोड़ा सा रोटेट करके दिखाना। ऐसे आपको नीचे से पैडल प्रेस करना और ये 180 डिग्री रोटेट हो जाएगी, उसके बाद आप जो ये व्यूज़ है ना उसे इन्जॉय कर सकते हो। अगर आमने सामने बैठना चाहो फैमिली के साथ तो आप आमने सामने भी यहाँ पर बैठ सकते हो। कुछ ऐसा इंटीरियर है, सामने आपको डिस्प्ले मिल जाता है, डिस्प्ले में आने वाले स्टेशन लेकर सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी। अंदर CCTV कैमराज हैं, रूफ है। लगेज के लिए अंदर कोई स्पेस आपको नहीं दी गई, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस वाले विस्टाडोम में तो मैंने खाने पीने की कोई भी सर्विस नहीं देखी, और अपना खाना पानी जो है वो तो हम अपने साथ लेकर आए थे, वो अच्छी बात है। हमारे पास 4 से 5 बोतल पानी है और स्नैक्स वगैरह आइटम है, तो हमें खाने पीने की तो कोई दिक्कत नहीं हुई। पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखो, बाकी रेलवे अगर इस चीज़ का ध्यान रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, ये बहुत ही गलत बात है। बाहर से किसी ने पक्का पत्थर वगैरह फेंका होगा, लेकिन रेलवे को भी ध्यान देना चाहिए। पैसेंजर जो इसमें आ रहे हैं पे करके वो कुछ सोच समझ के आ रहे हैं। देखते हैं भोपाल कब पहुंचते हैं, मतलब रानी कमलापति हमारी ट्रेन कब तक पहुंचती है। अभी तो डिले अच्छा खासा चल रहा है, काफ़ी डिले हमें इटारसी में ही हो गया था। 11:15 का अराइवल टाइम था और यहाँ पे 11:52 पे अपनी ट्रेन पहुँच रही है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और दूसरी तरफ खड़ी हुई है रानी कमलापति से LTT की ओर जाने वाली ट्रेन का रेक खड़ा है बस यहाँ पे, शायद ये मूव होने वाला होगा अभी यार्ड की ओर। तो हुआ, लेकिन यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं इंडिया के सबसे पहले प्राइवेट रेलवे स्टेशन में, जिसे बंसल ग्रुप ने बनाया था ना, बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा बना हुआ है। मैंने आपको इसके इनॉग्रेशन में भी वीडियोज़ दिखाए हुए थे। मॉडर्न सुविधाओं के साथ इस स्टेशन को बनाया गया है, लुक देख लो आप लोग एक बार। बाकी यहाँ तक जो जनशताब्दी में जो सफ़र था वो काफ़ी काम चलाऊ था, क्योंकि कोच की स्थिति काम चलाऊ थी, और जो घाट सेक्शन है वो भी हरा भरा था, पर पानी वगैरह उसमें उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको डिटेल में पहले ही बताया। इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। बाकी सैटरडे संडे कोच जो है वो पैक रहता है, बाकी दिनों में ऐसे ही पूरा खाली रहता है। 44 की कैपेसिटी आज 44 की 44 सीटें खाली थी, समझ लीजिए कि 700 रुपये पर हेड किराया था, मतलब 2100 रुपये में हम लोग अपना प्राइवेट कोच बुक करके यहाँ पे पहुँचे थे। तो चलो कुछ इस तरह की थी अपनी जर्नी, मिलेंगे जल्दी ऐसे और बहुत सारे रूट्स में, बहुत सारी जर्नीज में। चलिए जो होगा जैसा होगा आने वाली जर्नीज में आपको पता चलेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इन सभी जर्नीज को एंजॉय करने के लिए। और भाई लोग ऐसे इस वीडियो को शेयर कर दो, इतना एक्सपेंडिचर करते हैं ताकि आप लोग का प्यार है ऐसे ही बरकरार रहे। मिलते हैं जल्दी नई जर्नी में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।